चुनाव से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में चुनावों के नतीजे कैसे चल रहे हैं, गुजरात में क्या चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, ये तमाम अपडेट्स एबीपी गंगा सबसे पहले आपको दिखा रहा है। और इसी बीच जो बड़ी खबर आज की है वो ये है कि प्रसपा का सपा में विलय हो गया है। ये देखिए, ये राजनीतिक सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी की राजनीति से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है, प्रसपा का सपा में विलय हो गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और ये तस्वीरें देखिए, ये है जश्न की तस्वीरें। साइकिल का चुनाव चिन्ह दिखाते हुए जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यूपी की राजनीति के लिहाज से। जब प्रसपा का सपा में विलय हो गया है, वैसे में आने वाले चुनावों के लिए भी इसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और खास तौर पर देखिए, ये वक्त, ये पल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब एक तरफ तो चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और ऐसे में इस बीच ये सबसे बड़ी खबर कि प्रसपा का सपा में विलय हो जाना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए और ये तस्वीरें यूपी की राजनीति की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ शैलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। शैलेश, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? आपके पीछे हम जश्न की तस्वीरें कुछ देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है और क्या ये जश्न अभी से जीत का भी है और प्रसपा का सपा में विलय हुआ उसको लेकर भी? बिल्कुल, देखिए इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो भिन्न समाज के लोग हैं वो यहाँ पर है। ये देखिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो उत्साह है, और एक हादसे के बाद ये उत्साह देखने को मिला। सपा कार्यालय के बाहर बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? किशन सिंह धानुक। आप तो चाचा भतीजा एक हो गए, बहुत खुशी की बात है। दिल्ली की बारी है, बाकी सरकार सपोर्ट से सरकार बदलेगी, बीजेपी की निकम्मी सरकार बदलेगी। यहाँ पर देखिए इनको, अब जो हार हुई है झूठों की, हार हुई है झूठों की। प्रशासन हारा है, प्रशासन हारा है, रामपुर में भी प्रशासन। कॉन्फिडेंस भी बड़ा है यहाँ पर, किन्नर समाज के लोग हैं उनकी तरफ भी चलते हो। देखिए पार्टी कार्यालय, राजेंद्र चौधरी जो पार्टी के MLC है, वरिष्ठ नेता है, पार्टी के मुख्य वक्ता है, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने उत्साह जताया। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है। जी क्या नाम है? चिंता यादव नाम है। ये बता नीता जी, आज जिस तरह से मैनपुरी और खतौली रामपुर जो चीजें सामने आई हैं, किस तरह से आप देखते हैं, कितना मजबूत पार्टी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम, हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। वैसे मैनपुरी तो नेताजी का घर था और रहेगा, यह तो वहाँ की जनता ने साबित कर दिया। और जो प्रसपा का आज शैलेश सहयोग, बात करते रहेगा, मैं रोकूंगी आपको, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। लेकिन देखिए जो तस्वीरें देखी, ये जताती हैं कि कार्यकर्ताओं का जो इस वक्त भरोसा है, आत्मविश्वास है, वो और ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही प्रसपा का सपा में विलय हुआ, उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जश्न की जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये बताती हैं कि कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस इस वक्त काफी ज्यादा हाई हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।